हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आज हम लोग एक बहुत फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. इनफैक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ट्रेडमार्क लॉ एंड एनफोर्समेंट. ट्रेडमार्क के बारे में सुना बहुत कुछ है, जानते आप भी बहुत कुछ है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं. और बस आपके इसी एक्सपर्ट नॉलेज में मैं थोड़ी सी नॉलेज और ऐड करने के लिए ये वीडियो आपके सामने, ये लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस टॉपिक की माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर से मैं इस एग्जाम्पल की, इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा. देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस टॉपिक को शुरू कर सचिन के नाम के साथ. एंड सचिन के नाम के साथ मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है. सचिन के साथ साथ मैं एक और सेलिब्रिटी का नाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उस सेलिब्रिटी का नाम है शाहरुख खान. सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान. शाहरुख खान शायद आप लोगों को पसंद हो, शायद आप लोगों का फेवरेट फिल्म स्टार शाहरुख खान हो. एंड शाहरुख खान के साथ साथ खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार. आपने कभी सोचा है इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है? एक सिमिलरिटी अक्षय कुमार और शाहरुख खान में हो सकती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है. वो क्रिकेट प्लेयर है और ये दोनों फिल्म स्टार है. इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इन तीनों में इनफैक्ट क्या सिमिलरिटी है, मैं उसी सिमिलरिटी की बात आज करने वाला हूं. क्या आप लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर ने सचिन रमेश तेंदुलकर का ट्रेडमार्क ले रखा है? ये जो नाम है SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर, इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने ट्रेडमार्क ले रखा है. सचिन तेंदुलकर के पास इस वर्ड का सचिन के पास ट्रेडमार्क है. बिल्कुल, सचिन की परमिशन के बिना इंडिया में नो वन कैन यूज SRT. किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए SRT को कोई भी पर्सन, SRT के ऊपर सचिन रमेश तेंदुलकर के ऊपर सचिन ने ट्रेडमार्क लिया है और सचिन की परमिशन के बिना उसे इंडिया में कोई भी यूज नहीं कर सकता. शाहरुख खान ने भी ऐसा कुछ कर रखा है. शाहरुख खान ने SRK के ऊपर शाहरुख खान ने ट्रेडमार्क ले रखा है. ऐसा क्यों किया गया, अभी इसकी भी हम लोग बात करेंगे. सचिन के नाम पे सचिन ने SRT के ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है. इसके इंपैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक फिल्म आई थी फरारी की सफारी, एक फिल्म रिलीज हुई थी फरारी की सवारी, और उस फिल्म में सचिन का नाम यूज करने के लिए उस फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने सचिन का प्रायर अप्रूवल लिया था, क्योंकि सचिन के पास SRT सचिन रमेश तेंदुलकर का ट्रेडमार्क है और सचिन के अप्रूवल के बिना वो फिल्म में इसे यूज नहीं कर पाए. सचिन ने पहले प्रायर अप्रूवल दी, फिर वो जो फिल्म थी फरारी की सवारी, उस फिल्म में सचिन का नाम यूज किया गया था. शाहरुख खान ने SRK के नाम पे, SRK वर्ड के ऊपर शाहरुख खान ने ट्रेडमार्क ले रखा है. तो शाहरुख खान के पास SRK का ट्रेडमार्क है. शाहरुख खान ने ऐसा क्यों किया, तो जब कई लोगों ने पूछा कि शाहरुख खान ने SRK पे ट्रेडमार्क क्यों लिया, तो शाहरुख खान का कहना था कि बहुत सारे लोग इंडिया में SRK के नाम से एक्टिंग एकेडमी ऑपरेट कर रहे हैं, कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हैं, लोगों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और नाम शाहरुख खान का यूज कर रहे हैं. तो शाहरुख खान का नाम यूज करके बहुत से लोग इंडिया में लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं एक्टिंग के नाम पे. तो शाहरुख खान ने कहा कि मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, इसलिए शाहरुख खान ने SRK वर्ड के ऊपर क्या ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया. अब SRK को इंडिया में कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी, कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ शाहरुख खान. शाहरुख खान भाई SRK के प्रोप्राइटर हैं. तो सर, सेलिब्रिटीज भी अपने नाम का ट्रेडमार्क लेती हैं. सचिन ने SRT का लिया, शाहरुख खान ने SRK का लिया, अक्षय कुमार ने क्या अक्षय कुमार का लिया? नहीं, अक्षय कुमार ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया खिलाड़ी कुमार. खिलाड़ी जो वर्ड है उसके लिए ट्रेडमार्क के लिए अक्षय कुमार ने अप्लाई किया था, क्योंकि खिलाड़ी नाम से अक्षय कुमार ने काफी फिल्में रिलीज की है, बहुत सारे फिल्म्स अक्षय कुमार ने रिलीज की है.
खिलाड़ी के नाम से, तो अक्षय कुमार ने खिलाड़ी नाम के ऊपर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था। इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं इंटरनेशनली भी जिन्होंने अपने नाम का ट्रेडमार्क लिया है ताकि उनके नाम का बेनिफिट कोई और ना ले सके उनकी परमिशन के बिना। सो दैट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड सचिन तेंदुलकर। तीनों ने ट्रेडमार्क ऑफिस में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था और ट्रेडमार्क ले लिया। लेकिन ट्रेडमार्क वर्ड सुनते ही ना आपके दिमाग में जो एक बात आती है, दो वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूजन हम सभी को होता है, उस कंफ्यूजन को मैं आज जरा क्लियर कर देता हूं। कंफ्यूजन होता है ये देखिए, वोडाफोन के नाम के आगे जो TM लिखा हुआ है एंड पेप्सी के लोगों के आगे ये जो R लिखा हुआ है, ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं? TM लिखा हुआ अगर वोडाफोन के नाम के आगे, वो क्या इंडिकेट करेगा? और पेप्सी के नाम के आगे जो R लिखा हुआ है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? तो मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब ट्रेडमार्क ऑफिस में ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है, अब ट्रेडमार्क लेना है तो गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, तो गवर्नमेंट का जो ट्रेडमार्क ऑफिस है वहां ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया जाएगा। और जब ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, जब ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और एक्सेप्ट होने के बाद जब एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है ट्रेडमार्क का, जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंडिया में कम से कम एक ट्रेडमार्क लेने में 2 साल का टाइम लगता है। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करने के 2 साल के बाद कोई भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है। तो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, राइट, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और रजिस्ट्रेशन से पहले, यहां ये फाइल की एप्लीकेशन और ये हुआ रजिस्ट्रेशन। तो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद और रजिस्ट्रेशन से पहले आप TM यूज कर सकते हो उस नाम के साथ जिस नाम के लिए आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था, आपकी अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो। और रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन के बाद यू कैन यूज दिस वर्ड R। तो R का मतलब अब उस ट्रेडमार्क का फाइनल अप्रूवल हो चुका है, उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जब तक ट्रेडमार्क का फाइनल अप्रूवल नहीं आता, जब तक किसी ट्रेडमार्क का फाइनल अप्रूवल नहीं आता, तब तक एप्लीकेशन देने के बाद उस नाम के साथ TM लिखा जा सकता है। ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ है, बट इंडिया में इंडिया में अगर आपको बताऊं जो रियल प्रोसेस जो चलता है ना, इंडिया में 2 साल कम से कम एक ट्रेडमार्क को देने में लगता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए। चैलेंज इस तरीके से है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, एंड गवर्नमेंट इसी के लिए बहुत सारे IPR के नॉर्म्स में चेंजेस कर रही है ताकि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और प्रमोट किया जाए और इंडिया में इसे बिजनेस करना ज्यादा ईजी होगा जब ब्रांड्स को बहुत जल्दी प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ में। तो लॉ तो बना दिया, लेकिन लॉ बनाने के बाद भी ट्रेडमार्क मिलने में इंडिया में 2 साल एटलीस्ट लग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, आगे जरा बात करते हैं। अब जरा बात करेंगे सर, ये जो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था, इससे पहले भी क्या कोई इंडिया में लॉ था? यस, इससे पहले भी इंडिया में ट्रेडमार्क को लेकर एक लॉ था जो कि 1958 में आया था। सो इट वॉज इन द ईयर 1958 दैट द एक्ट रिलेटिंग टू द ट्रेडमार्क नेमली ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट वॉज पास्ड, राइट। तो 1958 में सबसे पहले इंडिया में एक्ट आया था ट्रेडमार्क को लेकर। उससे पहले भी इंडिया में ट्रेडमार्क को लेकर कई प्रोविजंस थे, लेकिन 1958 में एक स्पेसिफिक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेडमार्क के लिए, लेकिन उसमें भी काफी अमेंडमेंट्स करने पड़े, बट इट अंडरवेंट अमेंडमेंट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। और जरूरत पड़ी कि इंडिया में एक नया लॉ आना चाहिए ट्रेडमार्क का, और फिर इंडिया में एक नया लॉ आया एंड नीड ए न्यू लेजिस्लेशन, तो ऐसा एक लॉ बनाया जाए जिससे कि इंडिया में ट्रेडमार्क ऑब्टेन करना आसान हो और उसी के साथ साथ इंडिया के ट्रेडमार्क को ग्लोबल प्रोटेक्शन मिले। ग्लोबली भी जो इंडिया के ट्रेडमार्क है उन्हें प्रोटेक्शन मिले, और जो ग्लोबल ट्रेडमार्क है उन्हें इंडिया में क्या मिले, उन्हें इंडिया में प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो इसलिए 1999 में नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया।
सो ट्रेडमार्क एक्ट 1989 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पर्पस क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पर्पस क्या था, पर्पस वॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा क्या, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द सेम, एंड थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स, किस तरीके से फ्रॉडुलेंट मार्क्स के यूज को प्रिवेंट किया जाए. फ्रॉडुलेंट मार्क कौन से होते हैं, जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी करके उनके ट्रेडमार्क्स में चेंजेस करके प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, तो फ्रॉडुलेंट मार्क्स होते हैं. और पर्पस क्या होता है, कस्टमर को कंफ्यूज करना ताकि कस्टमर समझ ना पाए, कस्टमर को लगे कि वो रियल प्रोडक्ट खरीद रहा है बट रियल में वो रियल प्रोडक्ट नहीं है, वो उस प्रोडक्ट की कॉपी है, और उसे हम फ्रॉडुलेंट मार्क्स कहते हैं, जिसका इस्तेमाल इंडिया में बहुत ही मास लेवल पे होता है. और रीजन क्या है, रीजन है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. खैर, अब जरा बात करें ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है ट्रेडमार्क की. पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, फिर मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क, ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क. ओके, ये पहली बात आई इसकी, ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी कि जिसे हम देख सकें पिक्चर की फॉर्म में हो, नाम की फॉर्म में हो, डिजाइन की फॉर्म में हो. एंड means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or service. तो trademark goods के लिए भी मिलता है और services के लिए मिलता है. So distinguishing the goods or services of one person from those of others, or one person from those of others, and may include shape of goods. इसमें शेप भी आ सकती है, शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. इन सब की बात हमें अभी करनी है, सबकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे. तो ये ट्रेडमार्क की डेफिनेशन को मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बींग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, एंड इट में इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. तो ट्रेडमार्क का मतलब आया कोई भी ऐसा मार्क जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें ग्राफिकली, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सके, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, एंड इट में इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. अभी मैं एक एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाने वाला हूं. देखिए, तो ट्रेडमार्क में क्या क्या चीजें आई, देखिए ट्रेडमार्क में कोई वर्ड आ सकता है, कोई सिंबल आ सकता है, कोई फ्रेज आ सकता है, कोई लोगो या कोई डिजाइन जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर होती है, ऑन ए प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल और ऑन ए कंटेनर टू आइडेंटिफाई इट्स सोर्स, कौन सी कंपनी ने बनाया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां आ जाएंगी. तो सर ट्रेडमार्क वर्ड सिंबल फ्रेज लोगो डिजाइन, वर्ड के लिए मिलता है, सिंबल के लिए मिलता है, फ्रेज के लिए मिलता है, लोगो के लिए मिलता है, डिजाइन के लिए मिलता है. चलिए एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, पूमा वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है. ओके, इसके ऊपर ट्रेडमार्क, पूमा वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क, जीमेल के ऊपर, यस जीमेल के ऊपर भी ट्रेडमार्क, वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क, सिंबल के ऊपर ट्रेडमार्क, नाइकी का सिंबल उसके ऊपर ट्रेडमार्क, एप्पल का सिंबल उसके ऊपर ट्रेडमार्क, मर्सिडीज का सिंबल उसके ऊपर ट्रेडमार्क. एग्जांपल क्या देखा हमने, वर्ड पे मिलता है, सिंबल पे मिलता है, फ्रेज लोगो डिजाइन, पांच चीजें आई, वर्ड सिंबल फ्रेज लोगो डिजाइन. सिंबल के ऊपर भी मिलता है, नाइकी का सिंबल, एप्पल का सिंबल, मर्सिडीज का सिंबल, फ्रेज पे भी मिलता है. फ्रेज का एग्जांपल देखिए, आई एम लविंग इट, यस मैकडी आई एम लविंग इट, यस मुझे भी बहुत पसंद है मैकडी का बर्गर, सो आई एम लविंग इट. या फिर पेप्सी ने निकाला था, ओ यस अभी ये पेप्सी ने एक जो टैगलाइन दी थी, एंड इट वॉज ऑल्सो इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. इसके अलावा पेप्सी का तो ये यंगिस्तान मेरी जान, ये भी पेप्सी का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यह है यंगिस्तान मेरी जान. और इसी के ऊपर एक केस आया था, एक फिल्म रिलीज हुई थी यंगिस्तान, जैकी भागनानी की, उस फिल्म में टाइटल था यंगिस्तान, एंड पेप्सी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था कि यंगिस्तान फिल्म का ब्रॉडकास्ट, यंगिस्तान फिल्म जो है उसको रिलीज पर रोक लगनी चाहिए. पेप्सी ने स्टे मांगा था फिल्म की रिलीज के ऊपर, क्योंकि पेप्सी ने कहा था कि यंगिस्तान मेरी जान हमारा ट्रेडमार्क है,
लेकिन हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज को अलाउ कर दिया था और हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे फिल्म प्रोड्यूसर्स को कि फिल्म जब चले तो फिल्म के नाम आए, फिल्म के जब क्रेडिट्स आए तो ये लिखा हो कि इस फिल्म का पेप्सी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये बात क्लियर कर रही थी फिल्म की स्टार्टिंग में। तो हाईकोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिए क्योंकि पेप्सी ने क्या कहा, यह है यंगिस्तान हमारा, यह है यंगिस्तान मेरी जान हमारा ट्रेडमार्क है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो ऐसे फ्रेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं एडवर्टाइजिंग में उसका ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। सर फ्रेज की बात करी, फिर देखिए पिक्चर की भी बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए अमूल का ये जो गर्ल की फोटो जो आप बटर पे देखते हैं अमूल का, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडमार्क। यस, इसे भी कोई दूसरा ब्रांड यूज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं देखिए यहां एशियन पेंट्स ने इस बॉय का डिजाइन, ये जो डिजाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर बनाई थी, इस पिक्चर पे एशियन पेंट्स का ट्रेडमार्क है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अमूल गर्ल की, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज ए वेरी फेमस ट्रेडमार्क। और अगर आप इसे किसी और ब्रांड पे देखेंगे ना तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी ना वो इमेज बनेगी अमूल की। इसलिए अमूल का इसके ऊपर ट्रेडमार्क है, कोई भी दूसरा ब्रांड इस पिक्चर को यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट अमूल, राइट। फिर आगे जरा बात करें डिजाइन की, अगर आप बात करें डिजाइन की, हम बात करें, देखिए मैंने यहां पे आपको दिखाया था कि ट्रेडमार्क किसी भी वर्ड पे, किसी सिंबल पे, वर्ड पे, सिंबल पे, फ्रेज पे, लोगो पे या डिजाइन पे मिलता है। तो यहां हम बात करें, देखिए डिजाइन की हम बात करें तो कोका कोला के पास अपनी बॉटल के डिजाइन के ऊपर, यस बॉटल के डिजाइन के ऊपर कोका कोला के पास ट्रेडमार्क है। बॉटल के डिजाइन के ऊपर कोका कोला के पास ट्रेडमार्क है। किटकैट की जो चॉकलेट है उस चॉकलेट के ऊपर भी किटकैट ने ट्रेडमार्क डिमांड किया था। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी लेकिन बहुत सी कंपनीज अपनी चॉकलेट की शेप पे, डिजाइन पे भी ट्रेडमार्क अप्लाई करती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि ट्रेडमार्क किस किस चीज पे मिलता है, फ्रेज पे मिलता है, लोगो पे मिलता है, डिजाइन पे मिलता है, कलर कॉम्बिनेशन पे भी मिलता है, कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, वर्ड सिंबल फ्रेज लोगो डिजाइन, इन सब की हमने बात कर ली। अब जरा आगे बात की जाए सर ट्रेडमार्क कितने तरीके के होते हैं। देखिए ट्रेडमार्क प्रोडक्ट के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क सर्विस के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क सर्विस के लिए भी मिलता है, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क भी होता है और कलेक्टिव ट्रेडमार्क भी होते हैं। आपने कभी सुना था कि ट्रेडमार्क भी इतने तरीके के होते हैं? शायद आपने ना सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेडमार्क चार तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकता है, सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क भी हो सकता है एंड कलेक्टिव ट्रेडमार्क्स भी हो सकते हैं। सर मीनिंग क्या होता है इन सबका? प्रोडक्ट ट्रेडमार्क क्या होता है, सर्विस ट्रेडमार्क क्या होता है, सर्टिफिकेशन, कलेक्टिव, इन सब का मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा और पूरा आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रेडमार्क किस में आएगा, कौन से ट्रेडमार्क को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इंडिया में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कहां होता है? इंडिया में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है और जिस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क, और नाम क्या है, देखिए ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, और ये किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आता है। अब एक बात देखिएगा, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन एक ही ऑफिस में हो रहा है। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक ही कंट्रोलर बनाया है। तो चाहे रजिस्ट्रेशन पेटेंट का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन डिजाइन का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का हो, रजिस्ट्रेशन कहां होगा, रजिस्ट्रेशन होगा किसके पास, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क का जो मेन ऑफिस जो इंडिया में है, दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, जो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, जहां रजिस्टर मेंटेन करते हैं सारे ट्रेडमार्क्स के। लेकिन मुंबई के अलावा भी और सिटीज में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है इंडिया में, इसके अलावा भी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे हम आईपीआर ऑफिस बोलते हैं, आईपीआर ऑफिस।
दिल्ली में भी आईपीआर ऑफिस है, तो आईपीआर ऑफिस में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां अप्लाई किया था किसी भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये तो हमने अब तक देखा कि ट्रेडमार्क बेसिकली बेसिक बैकग्राउंड क्या है, ट्रेडमार्क किन किन चीजों में मिलता है, रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का कहां होता है, और अब जरा बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। जब हम रजिस्ट्रार के कंट्रोलर के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जब कंट्रोलर के पास किसी भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंट्रोलर का क्वेश्चन ये होता है कि ये बताइए कि आपका जो ट्रेडमार्क है ये कौन सी कैटेगरी में आता है। लेकिन इसी कैटेगरी को जानने के लिए गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कर रखा है। गवर्नमेंट ने गुड्स को 34 कैटेगरीज में एंड सर्विसेज को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ट्रेडमार्क चाहिए तो वी हैव 34 कैटेगरीज, और अगर सर्विस के लिए चाहिए तो 8 कैटेगरीज है। सर्विस के लिए 8 कैटेगरी एंड गुड्स के लिए 34 कैटेगरी। इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी एक कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, हम जितनी मर्जी चाहें उतनी कैटेगरीज में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैटेगरी से क्या मतलब हुआ, तो देखिए कैटेगरी का मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं। अगर सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर में 8 कैटेगरीज आ गई, तो वो कैटेगरी कौन सी होगी? मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूं एजुकेशन के लिए, मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कोई ट्रेडमार्क चाहिए, तो एजुकेशन एक कैटेगरी आ गई, राइट? एजुकेशन एक कैटेगरी आ गई, तो पहला कौन सा आ गया? एजुकेशन इज वन ऑफ द कैटेगरी। लेकिन अब मैं बात करूं अगर कोई अप्लाई कर रहा है बैंकिंग के ट्रेडमार्क के लिए, तो बैंकिंग इज अ डिफरेंट कैटेगरी। तो आईसीआईसीआई बैंक, राइट? अगर आईसीआईसीआई के लिए ट्रेडमार्क मांगा जाएगा तो वो, और आई रियली होप आईसीआईसीआई बैंक के पास में ट्रेडमार्क है उनके नाम का, तो आईसीआईसीआई वो बैंकिंग में आ गया, तो बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आ गया, तो सर्विस सेक्टर को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन भी एक अलग कैटेगरी आ गई, और अगर हम बात करें गुड्स की तो देखिए गुड्स की भी अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी, जैसे कि 34 कैटेगरीज आ गई। एक मैं एग्जाम्पल यहां पर दूं, जैसे कि ऑटोमोबाइल एक कैटेगरी है, ऑटोमोबाइल एक कैटेगरी है, ऑटोमोबाइल एक कैटेगरी है, ऑटोमोबाइल के साथ साथ गुड्स की एक कैटेगरी हो सकती है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन एक अलग कैटेगरी आ गई। सो मोबाइल फोन एक अलग कैटेगरी आ गई, ऑटोमोबाइल एक अलग कैटेगरी आ गई। अगर कोई कंपनी दोनों में डील करती है, एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल फोन भी बनाती है और वो कार भी बनाती है, तो अब वो कंपनी क्या कर सकती है? अब वो कंपनी दो अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई कर सकती है। तो अब उस कंपनी को अप्लाई करना होगा अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसको जो प्रोटेक्शन मिलेगी ना वो फिर हर कैटेगरी में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। शाहरुख खान ने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए, ताकि किसी भी कैटेगरी में शाहरुख खान का नाम यूज ना हो पाए, एसआर के वर्ड यूज ना हो पाए। तो हम पता कैसे लगाए कि कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है? उसे पता लगाने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाए, और कैसे देखते हैं कि मैं जिस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा हूं वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है? इसके लिए हम ट्रेडमार्क ऑफिस की वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो हम ट्रेडमार्क ऑफिस की एक बार वेबसाइट को देखते हैं। दिस इज दी वेबसाइट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। यहां जाकर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कौन सी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहां एक पब्लिक सर्च का ऑप्शन होता है, देखिए यहां एक पब्लिक सर्च का ऑप्शन होता है। तो पब्लिक सर्च के ऑप्शन में जाकर बस अगर मैं नाम डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम डाल दिया सुजुकी, मैंने नाम डाला सुजुकी और कैटेगरी मैंने डाल दी 12। अलग अलग कैटेगरी है और ये कैटेगरी की लिस्ट है। देखिए केमिकल्स के लिए 01, पेंट के लिए 02, क्लीनिंग के लिए, और कैटेगरी नंबर 12 किसके लिए? देखिए व्हीकल्स के लिए जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी नंबर 12। इस तरीके से ये सर्विस के लिए आ गई, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, ये देखिए ये अलग अलग कैटेगरीज आ गई किसके लिए? दिस इज द कैटेगरी फॉर, राइट, दिस इज द कैटेगरी फॉर सर्विसेज एंड दीज आर द कैटेगरीज, राइट। ये 34 कैटेगरीज आ गई, इन 34 कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए। तो मैंने अगर सर्च किया सुजुकी, क्लास डाली मैंने 12
और डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ भी नहीं दिया और मैंने इसको कर दिया सर्च। अब सर्च करते ही हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कौन कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए सुजुकी नाम से, सुजुकी नाम से हम देखें, देखिए सुजुकी, टीवीएस सुजुकी, सुजुकी इज ए ट्रेडमार्क, किसके पास है? टीवीएस सुजुकी लिमिटेड के पास में है। जिस कंपनी के पास ट्रेडमार्क होता है या जिस इंसान के पास ट्रेडमार्क होता है उसे हम उस ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर कहते हैं, उसे हम उस ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर कहते हैं। तो देखिए सुजुकी नाम से जितने भी सुजुकी कैरी, सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के पास ये सारे, सुजुकी शेडो, ये अलग अलग ट्रेडमार्क है, सुजुकी वे ऑफ लाइफ, ये अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनीज ने सुजुकी के जो मॉडिफाइड वर्जन है उनसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है। एंड कुछ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होंगे, कुछ ट्रेडमार्क्स पे ऑब्जेक्शन होगी, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, 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 इन सब में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, यहां लिखा हुआ है रिमूव्ड, यानी कि ट्रेडमार्क वापस ले लिया गया था, या तो रजिस्टर्ड या विड्रॉन, विड्रॉन, रजिस्टर्ड, 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 फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं इसकी, ये रजिस्टर्ड है। इस तरीके से हम किसी भी एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड, तो इस तरीके से किसी भी ट्रेडमार्क को सर्च किया जा सकता है। और किसी भी ट्रेडमार्क को सर्च करके हम ये देख सकते हैं कि हम जिस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा सर कि सरकार ने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क दे दिया है? मान लो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडमार्क है किस चीज के ऊपर और कोई और पर्सन उसी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हमें प्रायर इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना, ताकि हम उसका ऑपोजिशन कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या करती है और गवर्नमेंट इतना टाइम क्यों लगाती है ट्रेडमार्क देने में? किसी भी ट्रेडमार्क को देने से पहले गवर्नमेंट उस ट्रेडमार्क को अपने ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश करती है, गवर्नमेंट उसे अपने ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश करती है, और उस जर्नल में पब्लिश होने के बाद ही गवर्नमेंट सब लोगों की ऑब्जेक्शंस को इनवाइट करती है। ये देखिए ये ट्रेडमार्क जर्नल है, ये ट्रेडमार्क जर्नल है जो गवर्नमेंट ने 27 फरवरी 2017 को निकाली है, और इसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनीज की एप्लीकेशंस को शेयर किया है, अलग अलग कंपनीज की एप्लीकेशंस को शेयर किया है कि जिन लोगों ने अलग अलग नाम के ऊपर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। ये देखिए ये यहां कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, देखिए सुयोग, सुयोग नाम से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपके पास इस नाम का ट्रेडमार्क है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कंपनीज इस जर्नल के थ्रू कंपनीज को ये पब्लिक एट लार्ज को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, अगर आपको इस ट्रेडमार्क की से कोई ऑब्जेक्शन है तो आप यहां आकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पहले टाइम ग्रांट करती है और गवर्नमेंट ने पूरी डिटेल शेयर करी है कि कौन सा पर्सन इस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है। ये देखिए तो ये डिटेल्स आ गई है। और मैं कुछ ब्रांड्स लूं, देखिए सेवा गैसेस, सेवा गैसेस नाम से किसी पर्सन ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, कौन सी कंपनी ने अप्लाई किया, यहां पर डिटेल है। और देन द कंपनी इज क्लेमिंग कि 2009 से वो ये ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना आपकी मर्जी होती है, अगर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नहीं करवाया। कंपनी क्लेम कर रही है कि कंपनी नाम 2009 से यूज कर रही है और अब कंपनी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही है, राइट? एक और यहां पर एग्जाम्पल है, एक और यहां पर एग्जाम्पल आ गया, ये नाम गर्वी आई गेस ये नाम है, और मैं नाम कहता हूं तो डोंट मिस, डोंट मिस शायद ये चाय के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, चाय के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। एंड देयर मेनी, देखिए कैनफिल नाम से भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, नव्यता नाम से भी फैब में। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जितने लोगों ने भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? इस जर्नल के थ्रू मिलती है। नीमराज नाम से भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। तो इसके थ्रू हमें यह पता लग जाता है, इसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि किस पर्सन ने किसी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है, और अगर उसका ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है तो आप उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट में अपनी ऑब्जेक्शंस, आप अपनी ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने, एंड दिस इज द जनरल, दिस इज द ऑफिशियल जनरल ऑफ ट्रेडमार्क ऑफिस, एंड 424 पेजेस का यह जनरल है जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। खैर तो ये जनरल हमें नहीं पढ़ना एग्जाम में, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क अस कि जनरल कैसा होता है। तो ये तो हमने बात करी कि सर अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेडमार्क मिल जाता है। अब एक बहुत कॉमन डाउट सबके दिमाग में रहता है
और वो कॉमन डाउट ये होता है सर कि अगर किसी एक नाम से ट्रेडमार्क मिल गया तो क्या उसके नाम से ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा? अगर प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन दो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग मार्केट में काम करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, अलग अलग उसके कस्टमर्स हैं, अलग अलग उसके यूज हैं, लेकिन नाम सेम है, नाम बिल्कुल सेम है, अब क्या ट्रेडमार्क मिल जाएगा? तो इसका आंसर हां भी है और इसका आंसर ना भी है। इसका आंसर ना तब है जब वो ट्रेडमार्क वेल नोन है। वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है आगे बात करने वाला हूं मैं, लेकिन एक जनरल रूल है हां सर मिल सकता है अगर अलग अलग कैटेगरी में है और आप अगर ये बात साबित कर दें कि जो नाम आप यूज कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग नाम से सिमिलर जरूर है लेकिन आपकी इंडस्ट्री ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसका एक एग्जाम्पल क्या आ गया, उसका एक एग्जाम्पल आ गया वीआईपी। वीआईपी उसका एक एग्जाम्पल है। वीआईपी किस तरीके से उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वीआईपी के सूट केस भी आते हैं, वीआईपी के सूट केस भी आते हैं और वीआईपी के अंडर गार्मेंट्स भी आते हैं। तो वीआईपी जो नाम है वो अलग अलग कैटेगरी में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और उसे अलग अलग लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउड तब नहीं होगा, यहां पे लिखा हुआ है ना एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन तब होगा अगर कोई ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है, अगर कोई ट्रेडमार्क वेल नोन है। अगर वेल नोन ट्रेडमार्क है सो इन दैट केस आप उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल दो दोनों ट्रेडमार्क्स की कैटेगरीज अलग है, यूज नहीं किया जा सकता चाहे कैटेगरी अलग क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने कहा आइडेंटिकल ट्रेडमार्क में नॉट बी अलाउड इवन ऑन सिमिलर गुड्स, इवन ऑन सिमिलर गुड्स। देखिए सोनी का केस था, सोनी वर्सेस शिमारो का, द नेम सोनी इन रिस्पेक्ट ऑफ नेल पॉलिश वॉज अलाउड। सोनी का देखिए, सोनी का नाम अलाउड कर दिया गया, इसमें नेल पॉलिश में अलाउ कर दिया गया, एज इट इज नॉट लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन और डिसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर सोनी नाम से एलईडी आ रहा है, टीवी आ रहा है, और सोनी के नाम से अगर नेल पॉलिश भी आ रही है तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा और उसे अलाउ कर दिया गया था इस केस में, राइट। सो ट्रेडमार्क के बारे में कुछ और डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ट्रेडमार्क कैसे अप्लाई होता है, टाइम कितना लगता है, वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, लेकिन ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।